हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज एवरीथिंग। सही जानकारी, वो जानकारी जो मेडिकल साइंस के बेसिस पर है, एक्यूरेट जानकारी अगर आपको मिलती है तो आपके बच्चे के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का यह सबसे पहला स्टेप है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कितनी अप्रोप्रिएट होती है, एक्यूरेट होती है और मेडिकल साइंस के बेसिस पर दी जाती है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत ही रिलायबल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपके बच्चे के लिए अगर आप कोई स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। पेरेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम है कॉकलियर इम्प्लांट। जो बच्चों को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है या जिन बच्चों को मशीन काम नहीं करती है सुनाई देने के लिए, उन बच्चों को जो लास्ट रिजोर्ट है, जो लास्ट वर्कआउट है वो कॉकलियर इम्प्लांट है। कॉकलियर इम्प्लांट होने के बाद जो 50% वर्क है बच्चे के इंप्रूवमेंट मिलाने के लिए वो स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पीच थेरेपी। तो जो स्पीच थेरेपी है ये एक बहुत ही क्वालिफाइड वर्क है, ये वर्क बहुत ही प्रिसाइज डॉक्टर्स देते हैं और जिन्होंने स्पीच एंड हियरिंग में सर्टिफाइड कोर्स किया होता है। तो जो आज की इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को सिलेक्ट करें और वो किस स्पीच थेरेपी डॉक्टर को चूज करें और कैसे चूज करें। नंबर टू, पेरेंट्स ज्यादातर जो हमारे क्लिनिकल एक्सपर्टाइज में जो देखा गया है वो हमने यही देखा है कि जो स्पीच थेरेपी के लिए जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं तो सामान्यतः उनकी एज होती है 2.5 साल से लेके 3.5 साल। यूजुअली 2.5 साल से लेकर 3.5 साल की एज में माता पिता अपने बच्चे को एक स्पीच थेरेपी सेंटर पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें 100 सेशंस फ्री में मिले हैं, क्योंकि उन्हें जब बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट होता है और उन्हें 100 सेशंस फ्री में मिले हैं तो वो बाहर इस चीज को अपना माइंड मेकअप बनाकर सर्च करना शुरू कर देते हैं कि जो स्पीच थेरेपी है वो तो 200 रुपये, 300 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये में मिलने वाली है। और इसी सर्च को करते हुए, इसी माइंडसेट को बनाते हुए वो अपने बच्चे की जो एज है 2.5 साल से लेके 5 साल, 3.5 साल से लेके 6 साल निकाल देते हैं। डियर पेरेंट्स, आप इस प्रकार का अगर कोई स्टेप लेते हैं तो ये सबसे बड़ा विध्वंसकारी स्टेप आपके बच्चे के लिए। आप अगर अपने बच्चे के लिए कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए लगा रहे हैं या 8 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि जो स्पीच थेरेपी है वो 50 रुपए की बुक से, 100 रुपए की बुक से हो जाएगी, तो सिर्फ मेरा एक ही आंसर आपके लिए, आप अपनी सोच को ठीक करें। आपका बच्चा 2.5 साल का है, आपका बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट चूज नहीं करने वाला, वो खुद हॉस्पिटल में जाके अच्छे थेरेपिस्ट को चूज नहीं करने वाला। इसके लिए आप पेरेंट्स ही अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। अगर आपका डिसीजन इस प्रकार का है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये में थेरेपी मिलेगी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रामक और सबसे बड़ा इनअप्रोप्रिएट और सेल्फ किलिंग एटीट्यूड है। भारत सरकार ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो स्पीच थेरेपी होते हैं, जिन्हें हम 100 स्पीच थेरेपी बोलते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को मिलती है, वो स्पीच थेरेपी भी आपको 600 रुपीज पर सेशन भारत सरकार आप स्पीच थेरेपिस्ट को देती है, जिसके लिए पेरेंट से कोई चार्ज नहीं किया जाता। और अगर आप अपने माइंडसेट को ये बना के बैठे हैं कि आप जब आप प्राइवेट में जाएंगे आपको 300 रुपये में थेरेपी मिलेगी या 500 रुपये में थेरेपी मिलेगी,
तो आप अपनी भूल को सुधारो प्लीज, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा, आपके बच्चे की जो थेरेपी है कोक्लियर इम्प्लांट के लिए, ये कोई 2 महीने 3 महीने चलने वाले का वाली चीज नहीं है। डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे की जो थेरेपी है कोक्लियर इम्प्लांट के लिए 2 महीने या 3 महीने चलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपके बच्चे को हो सकता है कि 1 साल जरूर पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल भी पढ़े, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का जो लर्निंग पैटर्न है, बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो कितनी स्लो है, मीडियम है या फास्ट है। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए है। डियर पेरेंट्स, आप कोक्लियर इम्प्लांट होने के बाद अगर स्पीच थेरेपी को बिल्कुल कम प्रायोरिटी देते हैं और उसके लिए आप सबसे इनअप्रोप्रिएट, सबसे चीप क्वालिटी की थेरेपी चूज कर रहे हैं, और अगर आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं जिसका यूजुअल कॉस्ट पर स्पीच थेरेपी सेशन, अगर वो सर्टिफाइड स्पीच पैथोलॉजिस्ट है तो कम से कम आपको 800 रुपए से लेके 1200 रुपए में मिलने वाला है, उससे नीचे नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कोई बोलता है वो 300 रुपए में थेरेपी कर रहा है या 500 रुपए में थेरेपी कर रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जिस ट्रैक पर चल रहे हैं ना वो ट्रैक बिल्कुल गलत है। उस ट्रैक से आपके बच्चे की सिर्फ और सिर्फ एज बढ़ती जाएगी, उसकी जो लर्निंग की जो एज है वो नहीं बढ़ेगी। तो डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो यकीनन हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को अच्छी ना लगे, लेकिन सही इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारी और सतर्कता, और सतर्कता इन सब चीजों के थ्रू ही पेरेंट्स अपने बच्चे के स्पीच और जो हियरिंग ट्रेनिंग है उसमें विकास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो जो नीचे यहाँ पर हमारी जानकारी दी हुई है, आप इस पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी जगह से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।